एक बात बोलूं बेबी, देखो जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अगर वो बच्चा इस दुनिया में आता, रोता धोता, ना सोता ना सोने देता, तुम फ्यूचर के सारे झंझट से फ्री हो गई, यूं समझ लो कि बला टल गई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम तो ऐसे बात करो जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है पृथ्वी, मुझे फर्क पड़ता है। तुम्हारे प्यार की निशानी को किसी ने मार डाला, तुम्हारे बच्चे को मार डाला किसी ने, पृथ्वी हमारे बच्चे को मार डाला। ये दोनों तो खुलेआम अपने प्यार का डिस्प्ले। हे भगवान, कोई आ ना जाए। सॉरी, I'm really sorry बेबी, मैंने समझा ही नहीं। तुम्हारी माँ मामानी ममता को नहीं समझ पाया मैं। I'm sorry. बेबी लिसन टू मी ना, मैं नहीं समझ पाया कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा था वो हमारे प्यार की निशानी थी। मैं नहीं समझ पाया, पर अब समझ गया मैं। I'm sorry. किसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन हमारा बच्चा मर गया। और हमारा बच्चा मर गया, किसने मुझे मारने की कोशिश की थी, किसने हमारी खुशियां बर्बाद कर दी। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किलर की गलती से हमारा बच्चा मरा है तो तुम उसे मार डालो। अगर किसी ने उसे पैसे दिए तो ढूंढो कि किसने उसे पैसे दिए, उस इंसान को मार डालो। जिस इंसान ने मुझे इतना दुख और दर्द दिया है, उस इंसान को मार डालो। मुझे बदला चाहिए, मुझे हमारे बच्चे को खोने का बदला चाहिए। प्रति मुझे बदला चाहिए। हो जाओ मेरी बात। रिभा ध्यान से सुनो, मैं तुमसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे उसका आंसर चाहिए। उसके बाद तुम जो चाहोगी मैं करूंगा। तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ था? फुटपाथ पे चल रही थी और फिर अचानक से मुझे चक्कर आ गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद। जिसने भी हमारे बच्चे को मारा, मुझे बदला चाहिए। और वो बदला लोगे तुम। प्रति मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम बदला लोगे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ बेबी, मैं बदला लूंगा जैसा तुम चाहती हो। मैं दिलाऊंगा तुम्हें, प्रॉमिस। तुमने मेरी बेबी को मारने की कोशिश की। मेरी बेबी, शरीफ बेबी को मारने की कोशिश की। क्यों मारना चाहता था उसे? बोल। मेरी बात सुनो साहब। साहब मैंने नहीं मारा शर्लिन मैडम को। साहब आप दोनों तो मेरे बरसों पुराने कस्टमर हो साहब। साहब आप दोनों की वजह से मेरे घर का दाना पानी चलता है साहब। आप तो मेरे भगवान के समान साहब। साहब मैंने नहीं मारा साहब मैडम को, शर्लिन मैडम को मैंने नहीं मारा साहब। मुझे मत मारिए साहब, मैंने नहीं मारा साहब। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने नहीं मारा। आखिरी मौका तेरे पास, आखिरी मौका। अगर जिंदा रहना है तो तेरे पास आखिरी मौका ही है। नहीं साहब, सच सच बता। नहीं साहब, सच सच बता। तूने मेरी शर्लिन बेबी को मारने की कोशिश क्यों की? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा साहब। सच सच बता वरना इससे ना मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। नहीं साहब, मैं सच में तेरा सिर फोड़ दूंगा। नहीं साहब, सच बता। सच बता। साहब मैंने नहीं, बल्कि उस लड़की ने मारा है साहब। उस लड़की ने मारा है साहब। कौन सी लड़की ने? कौन सी?
कौन थी वो लड़की? बोल सब बता मुझे, कौन थी वो लड़की? बोल कौन थी वो लड़की? बोल सब। शेरलिन मैडम ने मुझे प्रीता को सड़क पे ट्रक से उड़ाने के लिए कहा था। प्रीता सड़क फुटपाथ पर ही चली जा रही थी साहब, सड़क पर आई नहीं रही थी साहब। तब शेरलिन मैडम ने प्रीता को धक्का मारने की कोशिश की थी साहब, पर मैडम के साथ जो लड़की थी उसने मैडम को धक्का मार दिया साहब। हाँ हाँ साहब, ये वही लड़की है साहब। साहब इस लड़की को तो मैं लाखों की भीड़ में ही पहचान सकता हूँ साहब। इसने ही शर्लिन मैडम को मारने की कोशिश की थी साहब। साहब अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा साहब, तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की आप फोटेज चेक करा लीजिए साहब। आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा साहब। सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी साहब। मैं मॉम के यहाँ हूँ। मैं शर्लिन से मिलने जा रही थी तो मॉम का फोन आया था ना, मैं कल रात से मॉम के यहाँ पे हूँ। करीना बस पुत्र, इतना नहीं रोते, आज हिम्मत रख, बैठ। माँ भाभी बहुत रो रही। हाँ पुत्र, खोने का दुख तो होगा ना उसे। कितनी खुश थी कि पहली बार वो दादी बन रही है। हम सब कितने खुश थे कि इस घर में बच्चा आएगा, इस परिवार का वंश आगे बढ़ेगा। सबके सपने टूट गए पुत्र, तकलीफ तो होगी ना उसे। प्रीता मैं दवाई नहीं लूंगी। हम कैसी बातें कर रही हैं आप? दवाई आपको लेनी होगी। नहीं लूंगी करीना मैं। प्लीज प्लीज मेरे आंसू पे मत जाइए। वो तो भाभी को रोता हुआ देख के मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा। झूठ मत बोल, तू मेरी बेटी है, मैं जानती हूँ तुझे, तू कितनी स्ट्रांग है। तेरी आंखों में आंसू मतलब तुझे बहुत तकलीफ हुई है ना? बहुत तकलीफ हुई है मेरे ऋषभ का भी। ठीक पुत्र, जो लोग चले जाते हैं ना वो वापस नहीं आते। ऐसे में टूट जाना ठीक नहीं है पुत्र। मैं तो कहती हूँ लोगों के आंसू पहुंच, तू तो कितनी हिम्मत वाली है पुत्र, लोगों को हिम्मत दे। बहुत कोशिश कर रही थी माँ, कोशिश कर रही थी कि ना रोऊं, स्ट्रॉन्ग बनूं, पर भाभी को रोता हुआ देख के मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। भाभी बेबी के रूम पे रो रही है। कितने प्यार से हमने उस रूम को सजाया था ना, कितने सपने देखे थे कि ऋषभ का बेबी आएगा, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, सारे सपने टूट गए। बेबी के आने से पहले ही वो बेबी ना, ना पुत्र ना। बस, 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 बस। सब ठीक होगा करीना बुआ, प्लीज मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ सब जख्म भर जाते हैं और राखी माँ भी ठीक हो जाएंगी। मैं भी हूं ना उनका ख्याल रखने के लिए। आप प्लीज मत रोइए, अब देखना घर में बहुत जल्द दोबारा खुशियां आएंगी। कैसे कैसे आएंगी खुशियां? ये कैसे पॉसिबल है? पहले जैसी खुशियां कैसे आएंगी दोबारा? जब तक इस घर में बेबी नहीं आएगा ना, तब तक वो खुशियां कभी नहीं लौटेंगी, कभी नहीं।
तुम और करण एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो ना, तुम दोनों क्यों नहीं प्लान करते एक बेबी? तुम दोनों का बेबी जब इस घर में आएगा, इस घर की सारी खुशियां दोबारा से लौट आएंगी। प्रीता पुत्र, करीना जो कह रही है ठीक कह रही है, लेकिन मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा पुत्र, लेकिन अगर तुम और करण बेबी प्लान करोगे तो इस घर की सारी खुशियां वापस लौट आएंगी। इस घर को वंश मिलेगा पुत्र, तुमने राखी की हालत देखी है ना, मुझे तो डर है कहीं वो डिप्रेशन में ना चली जाए। पर तुम दोनों बेबी प्लान करोगे तो इस घर की खुशियां वापस लौट आएंगी ना पुत्र। मैं जो कहती हूँ ना उस पर गौर करना पुत्र। पृथ्वी जी, अरे आप इतने स्ट्रेस्ड, क्या हुआ, क्या हुआ पृथ्वी जी, आपको बताइए पृथ्वी जी, क्या क्या हुआ पृथ्वी, पृथ्वी जी? कृतिका, पानी आंटी तुम्हें कब से ढूंढ रही हैं, शायद उन्हें कोई अर्जेंट काम है तुमसे, जाओ उनके रूम में बुला रही हैं। पृथ्वी, मुझे तुमसे बात करनी है। हाथ छोड़िए मेरा, हाथ छोड़िए मेरा। पृथ्वी, कहाँ जा रहे हो तुम, मेरे बेटे से मिलने जा रहे हो ना? टाइम वेस्ट मत कीजिए, अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपके सवालों का जवाब दूंगा तो ये आपकी गलतफहमी आंटी। मेरा दिमाग इस वक्त बहुत खराब है, मेरा रास्ता मत काटिए। तुम मेरी बात सुनो, यही बात मैं तुम्हें समझाने की कब से कोशिश कर रही हूँ कि मेरी बेटी की जिंदगी से दूर चले जाओ। आज तो तुम्हारे मैंने हाथ भी जोड़ लिए कि उसकी जिंदगी से दूर क्यों नहीं जाते तुम? ठीक है, मैं भी आपके हाथ छोड़ता हूँ और आपसे यही कहता हूँ सेम टू सेम कि आप दूर हो जाइए ना अपनी बेटी की जिंदगी से, मेरी और आपकी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अपने सेंस में नहीं हो। शर्लिन मेरी बेटी है और मैं माँ हूँ उसकी, और एक माँ को अपनी बेटी की जिंदगी से कोई नहीं निकाल सकता। आपकी बेटी का आशिक हूँ मैं और वो मेरी माशूका। अब बताइए, आप खुद बताइए, एक आशिक अपनी माशूका से दूर रह सकता है क्या? आप देखिए आंटी जी, अब बस हो गया, अब अगर एक शब्द और बोला ना आपने या मेरा रास्ता काटने की कोशिश की ना तो बताओ मैं आपको क्या करूंगी। आपको नहीं, इस घर के हर सदस्य को बता दूंगा मैं कि आपकी बेटी और मेरे बीच क्या चल रहा है। कोई और करे ना करे, मैं खुद रासफाश कर दूंगा, हमारा सबको बता दूंगा कि आपकी बेटी और मेरा क्या रिश्ता है। क्या रिश्ता है? अब कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा और शर्लिन का, जो था वो पास्ट में था। अब शर्लिन ऋषभ की वाइफ है, इस नुथरा खानदान की बहू है वो। और क्या है? और तुम्हारी कुछ नहीं लगती वो मेरे होने वाले बच्चे की माँ, मेरे होने वाले बच्चे की माँ थी आंटी जी। आप शर्लिन की मॉम, इसलिए थोड़ी बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप इस तरह से पंगा मत लो मुझसे, मेरे सिर पे ना खून सवार है और मैं इस वक्त कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ना, आपको पता है कि आपकी बेटी मेरे लिए क्या मायने रखती है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी की भी जान ले सकता हूँ। आप जानती है ना इस वक्त कितनी तकलीफ में, कितनी दर्द में, उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए बदला, और वो बदला मैं लेके दूंगा उसे, और फिर चाहे मेरे रास्ते में कोई भी आया ना तो मैं उसे फूंक मार के गिरा दूंगा, हटा दूंगा अपने रास्ते से, कोई भी आया ना, कोई भी, फिर चाहे वो माँ हो या पापा, परिवार हो या दुनिया। आई डोंट गिव अ डैम, मुझे इस वक्त सिर्फ बदला दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ बदला जो मैं लेके दूंगा बेबी को, मेरी शर्लिन बेबी को। इसका मतलब तुम जानते हो कि किसने शर्लिन की जान लेने की कोशिश की? मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है, अब पृथ्वी मल्होत्रा सब जानता है, और अगर नहीं जानता है ना तो उसे पता चल जाता है या वो पता लगा लेता है। कौन है वो? वो जो भी है ना,
उसको ऊपर वाले से भीख मांगनी चाहिए। अपनी जिंदगी, अपनी खुशकिस्मती, अपनी जान की भीख मांगनी चाहिए, क्योंकि उसे पता भी नहीं, उसे अंदाजा भी नहीं कि उसने किस इंसान के साथ पंगा लिया है। मेरी बेबी के साथ पंगा लिया है। अब वो इंसान ना अपने पापों का फल भुगतेगा, क्योंकि प्रायश्चित करने का वक्त पृथ्वी मल्होत्रा खुद के अलावा किसी को देता नहीं है। देता है तो सिर्फ और सिर्फ सजा। कौन है वो जिसने शर्लिन की जान लेने की कोशिश की? वो कोई भी हो, कहीं ऐसा ना हो कि उसका चेहरा सामने लाते लाते पृथ्वी का सच सबके सामने आ जाए। उसका जो ये पागलपन है ना शर्लिन के लिए, अगर वो फैमिली में सबके सामने आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हजारों सवाल खड़े हो जाएंगे, सब पूछेंगे कि शर्लिन और पृथ्वी का क्या रिश्ता है, पृथ्वी का क्या सच है। पृथ्वी अपनी जिंदगी तो बिगाड़ ही लेगा और साथ में मेरी शर्लिन, उसकी जिंदगी भी पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। हे भगवान, सब ठीक करना। मां को तो हमने बचा लिया, बच्चे को नहीं बचा सके। तुम और करण एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो ना, तुम दोनों क्यों नहीं प्लान करते बेबी? तुम दोनों का बेबी जब इस घर में आएगा, इस घर की सारी खुशियां दोबारा से लौटाएंगी। क्या हुआ करण? घर में सब लोग बहुत दुखी हैं, स्पेशली राखी माँ बहुत रो रही थी। उन्होंने इतने सपने सजा लिए थे कि घर में एक नन्हा मेहमान आएगा। अब ये सब हो गया तो वो तो बिल्कुल टूट सी गई। राखी माँ सबसे कितना प्यार करती है ना, मुझे तो हमेशा उन्होंने अपनी बेटी जैसा समझा है, बेटी की तरह प्यार किया है। मैं चाहती हूँ कि उनके इतने सारे प्यार के बदले हम भी उन्हें कुछ खुशियां दें। थोड़ा वक्त देते हैं, वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। राखी माँ ने तुम्हें जिंदगी दी और तुम्हें जिंदगी देकर मुझे जिंदगी दी है, और अब मैं चाहती हूँ कि हम दोनों उन्हें एक जिंदगी देकर उन्हें उनकी खुशी लौटा।
मतलब करण, मैं माँ बनना चाहती हूँ। रंजना नैनों के तीर चल गए, साजना सांसों से दिल सिल गए, पलकों